सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। सो राइट टाइम हो गया 6:30 और मैं उठ चुका हूँ। ये हमारा आज का व्यू सनराइज हुआ है दोस्तों। तो देखो, अभी लास्ट ब्लॉग के बाद में आज के ब्लॉग में मैं सारा कुछ ट्राई करने वाला हूँ। जैसे कि एक तो मेरी तेज बोलने की आदत, जिसकी वजह से मैं कुछ शब्द खा हो जाता हूँ और कुछ शब्द को मैं खराब भी कर देता हूँ, तो इसको इम्प्रूव करेंगे हम। और जैसे कि मेरे पूरे चेहरे पे एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स वगैरह, इसको हम सॉल्व करेंगे। और ऐसी बहुत सारी और दिक्कत है मेरे चेहरे और पूरे बॉडी के अंदर, उसको हम ठीक करें। इसकी फैट भी मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा, तो इसको लूज करने वाले हैं हम। अगर आप में से भी किसी के अंदर ये सब कुछ है, लाइक पिंपल वगैरह कोई दिक्कत है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को मेरे साथ। ठीक करते हैं, मैं भी बढ़ता हूँ, आप भी बढ़ो। फिलहाल देखिए, अभी मैं उठ गया, 6 बजे उठाऊँ, जल्दी उठाऊँ ताकि मुझे वर्क करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। क्योंकि लेट उठा तो वर्क करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलेगा। लाइक देखो, अभी मैं 6 बजे उठ चुका हूँ, तो मेरे पास काम करने के लिए पूरे लाइक 12-13 घंटे होंगे आराम से। और बीच में रेस्ट भी ले सकता हूँ मैं। और अब देखो, अब मैं अगर मैं उठा 8 या 9 बजे, तो बाद में मेरे पास बचेगा क्या उठने के बाद? से उठने मन नहीं करेगा, और फिर बाद में फिर ना रो के आना वगैरह, फिर बाद वर्क करने के लिए रहेगा 6 घंटे सिर्फ, बड़े 6 घंटे ही रहेंगे बस। हाँ बस, अब मूड फ्रेश है। और जितने भी लोग सोच रहे हैं कि जॉगिंग के लिए चल जाऊँ सुबह, तो देखो सुबह मुझे जाने मन नहीं करता, क्योंकि सुबह और ज़्यादा जल्दी मेरे उठने मन नहीं है। उठ सकता हूँ पर उठने मन नहीं है, तो इसलिए हम रात को जाएंगे रनिंग वगैरह करने। रनिंग जॉगिंग लगभग 8 किलोमीटर तक या 4 किलोमीटर, जितना हो उसको उतना करना है बस। ऐसा नहीं कि रात को बस भाग जा रहे, लो चक्कर आ गया, वहीं पड़ा है बंदा पूरी रात का, नहीं ये नहीं करना। और मैं अभी पूरे घर का जितना सामान वगैरह है, काम वगैरह है, वो भी करूँगा, ताकि उससे मेरे को फिर शाबाशी मिल जाए। लाइक पौधों में पानी डालना और जितने बेसिक चीज़ें होती है वो, और थोड़ी हाई लेवल की भी चलेगी। तो फिलहाल अभी जाके मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन थोड़ा काम करता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपको उसके एक साथ। तो अभी राइट नाउ टाइम हो चुका है 12:30 और अभी मम्मा और दीदी सो चुके हैं मैच। तो अभी देखो आज लाइक मैं क्या करने वाला हूँ, जो लाइक अपने स्क्रीन शॉट लेते हैं, कुछ वीडियोज को डाउनलोड कर लेते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब से, लाइक अच्छी लगती है जो, तो आज सारी वो मैं चेक करने वाला हूँ। क्योंकि लाइक मैं ऐसे बहुत ज़्यादा रैंडम स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और बेफालतू वीडियो डाउनलोड भी कर लेता हूँ कभी कभी, तो आज मैं सारी चेक करूँगा कि मैंने किस किस वजह से ये सारी डाउनलोड करी है। लाइक ज़्यादातर मेरे को लगता है वीडियोज़ और स्क्रीनशॉट्स के अंदर सॉन्ग होंगे, इंस्टाग्राम पर सॉन्ग भी होते हैं, ऑप्शन होते हैं लाइक वो होंगे, कि मेरे को काफ़ी हद तक इंस्टाग्राम से सॉन्ग्स मिलते हैं जो मैं सुनता हूँ। सो चलते हैं अभी। तो अभी देखो फिलहाल घर पे ना गार्लिक नहीं है, बट मैंने इंस्टाग्राम पे काफी वीडियोस देखे लाइक गार्लिक डेली गार्लिक खाने से, गार्लिक से या सोलो गटक जाओ या फिर भाई उसको चबा के खाओ, तो उससे ना लाइक फेस पे काफी जितना डल फेस वगैरह है या कुछ ब्लैक हेड वगैरह है वो रिमूव हो, लाइक स्किन क्लियर हो जाती है। तो ट्राई करेंगे इसको भी, बट देखो आज अभी अब मैं जाके खाना वाना खाता हूँ जल्दी से, और फिर बाद मैं चलता हूँ बाहर घूमने के लिए, लाइक जॉगिंग रनिंग सारा कुछ करेंगे। और जो भी लोग सोच रहे हैं कि स्क्रीन शॉट का क्या हुआ, तो देखो स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आपको देखनी है तो कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा सारा कलेक्शन वगैरह, सॉन्ग वगैरह सारे दिखा दूंगा। तो हाँ कमेंट जरूर करना, भूल मत जाना। तो देखो लाइक अभी मैं स्किन के लिए गार्लिक सबसे पहले ट्राई करूंगा, और रनिंग करेंगे अपने डेली, और जिसको भी लाइक मेरे हिसाब से अपनी बॉडी को सही करना है, जैसे इसकी बॉडी मेरे से कुछ काफी टैनिंग है, स्किन डल है, खराब है, काफी ज्यादा स्किन रफ है, तो उसको ठीक करने के लिए मेरे साथ चलो।
क्योंकि मैं भी अभी पूरा चेंज होने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बॉडी से तो गर्लफ्रेंड मिलने वाली है नहीं, जस्ट जो मैं गर्लफ्रेंड की नहीं कर रहा, खुद की फिजिक्स अच्छी हो, खुद का ध्यान रखना है तो खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, कोई और नहीं रखने वाला। अनलेस आप कोई अमीर खानदान से हो, आपके घर में जिम हो, फिर भी आपको खुद का करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका मन नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। तो फिलहाल मैं जल्दी जाकर काम करता हूँ, फिर अपने जॉगिंग के लिए चलते हैं, क्योंकि रात को मेरे को बाहर निकलने नहीं देंगे फिर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बोलने का तरीका जो मैं काफी स्पीड से बोलता हूँ और कुछ कुछ वर्ड्स खा जाता हूँ, लाइक ढंग से बोल नहीं पाता, तो इसको हम इम्प्रूव करेंगे न्यूज़पेपर पढ़िए, और वो कहते हैं वो आपको अगले ब्लॉग में मिल जाएगा, तो वेट करना। सो गाइस, अभी राइट टाइम है 10 o'clock और यस रात हो चुकी है, और जो मेरे फेस के ऊपर लाइट वगैरह नहीं आ रही थी ढंग से, तो उसको थोड़ा संभाल लो यार, क्या चलता है, इतना क्या होता है। तो देखियो अभी शाम लाइट वगैरह स्टार्ट हो चुकी है भारतमाला पे, तो आज हम भारतमाला पे जा रहे हैं जॉगिंग करने के लिए बढ़िया मस्त, और मैंने स्टैंड वगैरह ले लिया बढ़िया, ठीक है भाई, वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज हम मेन तो वीडियो के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ का, क्योंकि हमें हमारी फिजिक्स का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पहाड़ में जाए, फॉर रियल भाई, किसको फर्क पड़ता भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को मेरे फेस से फर्क पड़ता है जो बिल्कुल डल और हो चुका है, जिसके लिए मैं अभी काम करता हूँ। तो बस अभी चलते हैं जल्दी अपने मंजिल की ओर, वहां जाके मिलता हूँ। ओके, यहाँ पे वैसे अभी रात हो चुकी है, बट यहाँ पर मॉर्निंग में काफी लोग बैठे रहते हैं सिर्फ बातें करने के लिए, बट हाँ एक बैठने सुविधा अच्छी है, और उधवा साइड तो अलग हिस्ट्री में, लाइक उधवा साइड अपने जूस चाय, लाइक कोई टपरी स्टाइल वगैरह और अपने आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिलता है उधर। अभी मेरे को उधर जाना है, जल्दी बना के आता हूँ। भाई साहब आज तो रात को बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, अच्छा तभी मैं एक ऊपर बैठता हूँ, ज्यादा तो मैं आधी रात को ऊपर आता हूँ, पता नहीं क्यों बस आता हूँ, जब सोचता हूँ कि भाई आजकल इतनी ये ट्रैफिक कम कैसे हो गया, सारा ट्रैफिक इधर से सीधा इधर जा रहा है, उधर साइड आ ही नहीं रहा, जिस साइड से मेरे घर क्यों दिखता है, और बाकी ऊपर तो ऐसे कुछ दिखता नहीं हमें, भाई फ्लिकर हो रही काफी ज्यादा ये लाइट, आंखों भाई यार खराब ही होगा सिस्टम। सो अभी इस बार से मैं उधर जाऊंगा, पता नहीं कैसे जाऊंगा, बट यार चलो भाई आ चुके हैं हम, और पूरा ब्रिज खाली है, तो रनिंग करते हैं भाई, अभी स्टेमिना की कमी हो रही है शाबाश। अब चाहे कुछ भी हो, पर सबसे पहले स्ट्रेचिंग जरूरी है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं ताकि बाद में पैर दर्द ना करे। ₹100 push-ups, then a 10-kilometer run, and 100 squats. Do it every single day. So, आज के लिए इतना ही था, कि फर्स्ट डे है और इतनी ज्यादा रनिंग से दिक्कत हो सकती कल, तो हम धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज भी बढ़ाएंगे और डिस्टेंस भी बढ़ाएंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। फर्स्ट डे था और इतनी ठंड के अंदर भी मेरे जो लाइक कभी काफी ज्यादा पसीना चले, काफी स्वेटिंग है मेरे अंदर भी, लाइक ठंड है फिर भी देख लो भाई कितनी एक्सरसाइज हुई आज, कोई बात नहीं फिलहाल देखो, लेकिन रात को काफी अच्छी नेचुरल और ठंडी हवा भी आती है, गर्मियों में भी तो सही है, और सर्दियों में क्या ही बोले कभी निकल जाओ। तो फिलहाल बस भाई मैं होप करता हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको अगले ब्लॉग का इंतजार रहे, क्योंकि अगले ब्लॉग में काफी कुछ और इम्प्रूवमेंट भी होगी, और काफी जो और चीजें मैंने बोली हुई है आपको इस सीरीज में करने की वो भी होगी। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, या आज के दिन के लिए इतना ही था, फिर मिलूंगा आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक और नई एक्सरसाइज, एक और नई अनफिट टू फिट, एक और नई बिकमिंग परफेक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।